हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हेलो दोस्तों, मैं बलराम सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसन। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप इन क्वेश्चन को सोल्व करें। आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्या है जी, यू एंड सी। तो देखिए यहाँ पर यू एंड सी, ये पूरा यहाँ वाक्य का क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिए कि यू एंड सी फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर, यहाँ लव होगा कि लव्स होगा। तो यहाँ पर यू एंड सी जो है वाक का सब्जेक्ट है, और ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये क्या है जी, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो देखिएगा कि जब हम वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ऐसे भी देखिएगा, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहां पर जो है कि यहां पर जो है ये लव्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लव्स होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है कि मोर देन 10 स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स फेल्ड, यहां हैव होगा कि हैज होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पता कीजिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, फेल कौन हुई है जी, फेल कौन हुए हैं, स्टूडेंट्स हुए। तो स्टूडेंट्स यहां जो है, यहां जो है, यहां देखिएगा ये जो स्टूडेंट है यहां पर क्या है जी, प्लूरल। तो भाई जब ये प्लूरल है, और यहां देखिएगा हैव क्या है, प्लूरल है, और हैज क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव होगा। यानी कि मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, मेनी अ स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वाज होगा कि वर्ब होगा। तो यहां देखिए, मेनी आर स्टूडेंट, यहां वाक का सब्जेक्ट क्या है, अ स्टूडेंट। तो यहां स्टूडेंट जो है वाक का जो सब्जेक्ट है ये क्या है जी, सिंगुलर है, ये जो है सिंगुलर है। और ऐसे कंडीशन में ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो वाज यहां पर क्या है, सिंगुलर है, वर्ब यहां पर क्या है, प्लूरल है। तो यहां इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां वर्ब नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वाज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि द पीपुल ऑफ इंडिया टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशील। अब देखिए यहां पर क्या होगा, कहता इंडिया का जो लोग है क्या है जी, टॉलरेंट है। तो अब देखिए जी, इस ऑफ के पहले इंडिया के लोग, तो भाई ई ऑफ क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो पीपुल यहां पर क्या है, पीपुल कहने से क्या हो रहा है, लोग हो रहा है, लोग यहाँ क्या है, यानी कि यहाँ प्लूरल सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए इज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता ऑल द मनी बीन स्पेंट, देखिए यहाँ पे ऑल द मनी फिल इन द ब्लैंक्स बीन स्पेंट। तो आप यहाँ पर देखिए कि मनी जो है अपने आप में ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब ये हमेशा सिंगुलर होते हैं तब वर्ब भी ये सिंगुलर लेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है जी, हैव प्लूरल है, और हैज क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए जी, कार आफ्टर कार, हम क्या बताए थे कि जब दो एक ही प्रकार का नाम किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, हम जो है पिछले वीडियो में ये चीज बताए हैं कि कार आफ्टर कार, यानी कि जब दो नाउन, दो सिमिलर नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो, तो ऐसे कंडीशन में वो हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कार आफ्टर कार फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग हियर, यहाँ यानी कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। तो इज यहाँ पर सिंगुलर है, आर यहाँ पे प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं होगा तो क्या होगा, इज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ब लेगा अपने
पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ रॉबिन, तो रॉबिन के अकॉर्डिंग यहाँ वांट नहीं होगा बल्कि क्या होगा वांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यू ही एंड आई, आप देखिए पूरा सब्जेक्ट जो है यहाँ तक है, पूरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ तक, यू भी है, ही भी है एंड आई भी है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया प्लूरल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा एम नहीं लेगा बल्कि क्या लेगा आर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइस एंड करी, आप देखिए जी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा है, तो एंड से जुड़ने के बावजूद भी ये क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइस एंड करी रेडी फॉर डिनर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा जी यहां पर आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल, आप देखिए कहता है बहुत सारे मतलब लोगों में से बहुत सारे मतलब मोस्ट, मोस्ट का मतलब बहुत, तो बहुत लोग सपना देखते हैं जी। तो अब देखिए यहां बहुत जैसा ही आ गया तो यानी कि ये पुनर भाग लेगा। तो अब यहां देखिए ये भर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं जी ये तो आपका सिंगुलर होते हैं तो इसलिए यहां पर तो है इसके अकॉर्डिंग पुनर भाग का प्रयोग किया जाएगा तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा ड्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरी वन ऑफ दीज रूम्स, देखिए जी यहाँ क्या है जी रूम्स कहता एवरी वन, कहता है इन रूमों में से प्रत्येक में से एक मतलब हरेक यानी कि सिमिलर का सेंस दे रहा है, कहता है डेकोरेशन, डेकोरेशन का क्या मतलब।